तो आशीष जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट विद योर शांति पाठ, हाँ जी स्टार्ट विद योर शांति पाठ। ओके ठीक है सर, एक आप मुझे एक सेकंड दीजिए उसके लिए। जी हाँ जी आई रिक्वेस्ट इन द मीन वाइल ऑल पार्टिसिपेंट कैन पुट योर कैमराज ऑन। इट्स अ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स दी फैकल्टी बिकॉज फैकल्टी इज गोइंग टू टीच यू, शी इज अ मास्टर फॉर दिस क्लास एंड इफ शी इज अ मास्टर इट इज ऑलवेज बी गुड टू गिव योर ग्रेटिट्यूड टू द मास्टर एंड इट्स वन ऑफ द वे ऑफ गिविंग ग्रेटिट्यूड बाई पुटिंग योर कैमराज ऑन। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर संजय जी, आपने कैमरा ऑन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सर, बहुत आप इतना तारीफ कर देते हैं ना, बिल्कुल ऊपर बिठा देते हैं इंसान को। और ये आपकी महानता है, इस एकेडमी की महानता है कि हम लोगों को इतना अच्छा एक चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का कि हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स है एकेडमी को और सर आपको एंड पूनम मैम को और बहुत बाकी धन्यवाद। जितने भी आप लोग आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेजेंस हियर। एंड शांति पाठ, जैसे सर ने मुझे कहा कि शांति पाठ से शुरू करना है, तो मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी क्यों शांति पाठ से हम शुरू करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, बहुत सारी चीजें आप लेके आए हैं, ठीक है। अब जब हम आमने सामने हैं तो कुछ नया मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आई जस्ट वॉन्ट अ डीक्लटरिंग ऑफ योर माइंड, बिकॉज वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए शांति पाठ से आपका मन चित सब शांत हो जाएगा। तो आप लोग मेरा साथ दें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षः शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वः शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम आप सबको नमस्कार। हाँ जी, टुडेज वेबिनार हैंडेड ओवर टू यू, यू मे प्लीज प्रोसीड। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने सुंदर सुंदर चेहरे दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक इंटरैक्टिव सेशन है। ये ग्राफोलॉजी है अपनी जगह, और मैं जो आपसे बात करूंगी तो मुझे कुछ रिप्लाईज भी चाहिए, सो अगर देखकर बात होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग यहाँ आए हैं ग्राफोलॉजी कि क्या है। बहुत लोगों के मन में ये बात होती है कि ये ग्राफोलॉजी क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आप लोगों के मन में ये बातें हैं कि दिस क्यों इम्पोर्टेंट है, इतना हम ग्राफोलॉजी करते हैं कि ग्राफोलॉजी सीखना है, हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान देना है। बच्चों के भी पीछे पड़े होते हैं कि भाई अपनी अच्छी हैंड राइटिंग करो, हैंड राइटिंग सुधारो। तो हम क्यों करते हैं ये सब, मन में आता है ये क्वेश्चन। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर क्यों हम इस चीज के पीछे पड़ते हैं और क्यों हम चाहते हैं कि हमारी हैंड राइटिंग और सिग्नेचर्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए जो हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाए। क्या रिलेशन है? तो मैं आपको एक सर मुझे आप इस पे होस्ट बना देंगे प्लीज, जो मेरा दूसरा आप शेयरिंग कर सकते। ओके ओके फाइन, तो मैं आप लोगों के सामने एक स्लाइड शेयर करूंगी। आई होप सो, जब सब लोग देख पाए तो मुझे बताइएगा। जी, इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू। ठीक है, फाइन। तो क्यों हैंड राइटिंग इम्पोर्टेंट है, पहले तो हम आज उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। हैंड राइटिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न होता है कुछ अलग चीज। क्या कैसे होता है? देखिए, हम सब लिखते हैं कुछ भी, जब हम आप लोगों ने सबने एग्जाम्स दिए, सबने परीक्षाएं दी हैं अपने ओल्ड टाइम्स में जब स्कूल में थे, ठीक है। लिखते रहते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पेपर की, अच्छे से लिखते हैं,
लेकिन जब टाइम खत्म होने वाला होता है तो आपके माइंड के ऊपर कितना प्रेशर होता है, अभी ये आंसर रह गया, अभी ये पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है और जल्दी से कंप्लीट करना है। तब आपने कभी नोटिस किया है उस टाइम पर आपकी राइटिंग कैसी होती हो जाती है, जब शुरुआत करते हैं तब कैसी होती है और पेपर को एंड करते करते कैसी हो जाती है? लिख तो आप वही रहे हो, पेन से ही लिख रहे हो, उसी पेन से उसी हाथ से लिख रहे हो, आंसर भी आपको आता है, फिर ऐसा क्यों हो जाता है और क्या हो जाता है? वहां यहाँ का काम है सारा, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रेशर पड़ा और हमारी राइटिंग चेंज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो राइटिंग होता है, जो हम पेपर पे लिखते हैं, वो सीधा कहीं ना कहीं कनेक्शन उसका हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है, राइट? तो अब अगर सबकॉन्शियस माइंड से इतना कनेक्शन है तो हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जरा सोच के देखिए कि अगर हम सबकॉन्शियस माइंड के कुछ पैटर्न्स चेंज कर पाए हैंडराइटिंग के थ्रू तो कितना अच्छा हो, राइट? तो कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें देखिए, जब हमारा सबकॉन्शियस पैटर्न जो होता है, जब हम कॉन्शियसली शो करते हैं कभी कभी, जैसे क्या आप सोच रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके मूड स्विंग्स हैं, मूड है कैसा है, एवरीथिंग, आपका एटीट्यूड कैसा है लोगों के प्रति, आप किस तरह से अपना ओपिनियन सामने रख पाते हो, नहीं रख पाते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, ये सब कुछ आपकी हैंडराइटिंग में दिख जाता है। इंटरेस्टिंग, कभी सोचा नहीं था ना कि हैंडराइटिंग भी इतना कुछ कुछ बता पाएगी। तो एक छोटी सी चीज है कि सिर्फ लिखना है, पेन को पकड़ना है और एक पेपर या कॉपी लेनी है और लिखना है और अपने आप को समझना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम किस तरह से चीजों को देख रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या हम कुछ चीजें हमारे कुछ अल्फाबेट्स बदल के, क्या हम अपनी हैंडराइटिंग बदल के, या हम अपने सिग्नेचर्स बदल के क्या हम अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं? मैं ये कहूंगी बिल्कुल ला सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी हैंडराइटिंग से। इंटरेस्टिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में जहां हम अटक जाते हैं, फाइनेंस में, रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं आप हैंडराइटिंग के थ्रू भी इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, एक लाइन पर ला सकते हैं इन सब चीजों। जब हम हैंडराइटिंग लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें करते हैं। कभी आप लोगों के पास कॉपीज होंगी या आप लोगों ने कभी ना कभी कुछ फाइल्स बनाई होंगी अपनी, ठीक है? तो आप लोग देखते हैं कि आपको किसी ने बोला कि कुछ कॉपी कर लो या कुछ कर लो, तो उसके बाद भी आप उसको मार्जिन से थोड़ा हटके लिखेंगे या मार्जिन तक लिखेंगे या ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, कुछ नोट्स बनाने कहीं भी लिखेंगे, वो अनकॉन्शियसली करते हैं। अनकॉन्शियस का मतलब है कि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंगली यू आर बिहेविंग लगता है। कुछ लिखेंगे बहुत तरीके से, बिल्कुल पेपर के बीचों बीच लिखेंगे, कुछ इधर नहीं, कुछ उधर नहीं, वो भी एक सबकॉन्शियस पैटर्न, बट इन चीजों पे हम ध्यान नहीं देते ना। और क्या क्या चीजें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते, कि हम किस तरह से पेन पकड़ रहे हैं, कौन सा पेन यूज कर रहे हैं, पेपर कैसा है हमारा, कभी ध्यान दिया है इन चीजों पे? जो अच्छा लगा, जो सुंदर लगा, मार्केट में नया आया है, बस वो खरीद लिया पेन, क्या कभी सोच के देखा है उससे आपकी हैंडराइटिंग पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बच्चे होते हैं, पीछे वो कुछ कुछ डिजाइन्स लगा लेते हैं, इरेजर्स लगा लेते हैं, इरेजर वाली पेंसिल्स आती हैं, उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हैंडराइटिंग पर। छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जिनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चलते हो, खाते हो, पीते हो, तो ये क्या है, ये आप कॉन्शियसली दिखा रहे हो, लेकिन क्या आप जानते हो जब आप चलते हो और किस तरह से चल रहे हो, आपका बॉडी मूवमेंट कैसा है, वो आपका सबकॉन्शियस पैटर्न है और वो भी आपके हैंडराइटिंग में पता चल सकता है। आपके पैर में दर्द है तो वो भी पता चल जाएगा, आप पैसा नहीं बचा सकते हो तो वो भी पता चल जाता है। सो हैंडराइटिंग सिर्फ एक लिमिट ही नहीं है कि आपने पेपर पेन पे लिख दिया, सॉरी पेपर पे या कॉपी पे आपने कुछ लिख दिया
और उससे काम हो गया, ऐसा नहीं है। वो आपकी कंप्लीट कंप्लीट जो आपकी पर्सनालिटी होती है उसको दर्शाता है, इट शोज योर पर्सनालिटी। इंटरेस्टिंग। तो चलिए इससे थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी हैंडराइटिंग के बारे में। ये चीज, ये हैंडराइटिंग क्या है बेसिकली, अगर हम इसको साइंस से जोड़ें, देखिए हर चीज आजकल क्या होती है ना, सबके दिमाग में एक चीज है कि क्या ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है तो फिर ये अच्छी है। आजकल हम लोग मॉडर्न इतने हो गए हैं हर पैटर्न पर, हर लाइफ स्टाइल पर, कि हमको हर चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड चाहिए। तो हैंडराइटिंग को हम कहते हैं न्यूरो मस्कुलर टास्क, जिसमें आपके हाथ के सारी मसल्स यूज होती हैं। ये मसल्स आपकी फिंगर की जो होती हैं, ये आपके अटैच होती हैं शोल्डर से, शोल्डर से देन इट गोज टू योर नेक, और नेक से आपके माइंड में अटैच होती है। तो एक तरह से जो आपके हाथ होता है उसमें राउंड अबाउट 27 बोन्स हैं और 40 मसल्स हैं, मोर देन 40 मसल्स होती हैं जो सब कनेक्ट करती हैं आपके माइंड से। So I'm proving it scientifically. I'm trying to prove it scientifically to all of you. Ki yes, handwriting, graphology, graphotherapies, signatures, drawing analysis, jitni bhi ye cheeze hain, ye sara aapka subconscious mind ka pattern hai. Aapki life hai, aapka past hai. Aap kaise the pichle apni life ke pichle bhag mein, matlab abhi jo present hai, usse aap past mein kaise the? क्या चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती थी और उसके हिसाब से आपका प्रेजेंट कैसा है और आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, ये सब कुछ आपकी हैंडराइटिंग आपको बताती है। एंड इसमें मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगी, भले ही आपके पैटर्न्स कैसे भी हो, भले ही कितनी भी कोई भी प्रॉब्लम्स में आप गुजरे हो, प्रेजेंट में आप कुछ भी फेस कर रहे हो, लेकिन आप फ्यूचर में उन सब चीजों को सुधार सकते हो अपनी हैंडराइटिंग सुधार कर। कितना इजी है, सिर्फ लिखना ही तो है। जो हम करते थे बचपन में, बहुत कॉपीज भरी हैं। अभी भी हम अपनी चीजों को सुधार सकते हैं, अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं, हम अपने सिग्नेचर्स को सुधार सकते हैं और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं, एक आगे बढ़ सकते हैं, राइट? अब मैं आपको इसके और डिटेल्स, वही है जो मैंने आपको बताई है, जो आप मेरी स्लाइड्स पर भी आप देख सकते हैं कि अगेन दिस इज अ टोटली कनेक्टेड मसल्स बोन्स जो हमारे शोल्डर से होकर नेक में जाती हैं एंड सेरिब्रम पर खत्म होती हैं। तो इट इज अ बायोलॉजिकली प्रूफ, साइंटिफिकली प्रूफ कि हैंडराइटिंग इम्पैक्ट्स आवर पर्सनैलिटी एज वेल। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैरेक्टरिस्टिक्स, हैंडराइटिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कभी सोचा है आपने? हम बहुत चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, बहुत चीजें हम चेंज करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि पर्सनालिटी की, आपके मतलब जो हैंडराइटिंग है उससे क्या क्या चीजें और पता चल जाती हैं? देखिए सबसे पहले तो ये स्टैटिक नहीं है, इट इज अ डायनेमिक, जो है वो है, you can't change it until and unless you practice it. एक यूनिक होता है, हर एक का सिग्नेचर, हर एक की राइटिंग यूनिक होती है, क्योंकि वो उसके थॉट पैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि हर इंसान का एक थॉट पैटर्न अलग है। यू कांट, आप, मैं जैसा सोच रही हूँ वो आप नहीं सोच रहे हो, तो मेरा अगर ए जैसा बनता है वो आपका नहीं बनेगा, सिंपल सा लॉजिक है ना? तो हर एक का थॉट पैटर्न अलग होता है, लाइफस्टाइल अलग होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप लिखते हो और समझते हो चीजों को। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम अपने एंसेस्टर्स से ले लेते हैं, वो ऐसा करते थे इसलिए हम ऐसा करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है, एक कोई मिलिट्री मैन है, उसका बच्चा भी मिलिट्री में जाता है, उसका बच्चा भी मिलिट्री में जाता है, नोटिस किया है? कोई डॉक्टर है तो फैमिली में सारे डॉक्टर्स बन जाते हैं, समथिंग यूनिक, राइट? वो आपकी हैंडराइटिंग शो करती है कि आप कितना हेरिडिटरी पैटर्न्स को और अपने कितनी पास्ट चीजों को फॉलो कर रहे हो, या आपने उस चीज से बाहर आ गए हो, या यू वांट टू ब्रेक इट।
ओके। फिर आपके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, एक्शंस हैं, रिएक्शंस हैं, आप किस चीज को किस तरह से लेते हो, एंगर है, दूसरों के साथ बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं आपके, है ना, वो सब आपकी हैंडराइटिंग शो करती है, आपके कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस पैटर्न्स एज वेल। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये सब तो ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि इस तरह से होता है, ओके? आप मुझे ये बताइए कि आप ये कैसे ठीक कर सकते हो। ऑब्वियसली थ्रू लर्निंग द राइट प्रोसीजर्स कि आपको राइटिंग कैसे करनी है, और इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ, पेपर कैसे रखा जाए लिखने के लिए, उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, आपको मार्जिन कैसे छोड़नी है, आपका इसमें जोन्स होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा ना, जब हम बचपन में इंग्लिश की फोर लाइन की कॉपी यूज करते थे, टेक्स्ट कॉपी यूज करते थे लिखने के लिए, उसमें क्या होता था, उसमें तीन बाइफोगेशन होते थे, अपर, मिडिल एंड लोअर। हम इनको जोन्स बोलते हैं ग्राफोलॉजी में। तो इसमें हम जोन्स पे किस तरह से काम करना चाहिए, आपका कौन से लेटर्स आपके कौन से जोन में होने चाहिए परफेक्टली, वो आता है ग्राफोलॉजी में, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। अभी यहाँ छोटी सी एक एक्सरसाइज भी मैं आप लोगों से सबसे कराने वाली हूँ, थोड़ा सा हम अपने बचपन में जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे साथ में। दूसरा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ चीजें होती हैं, हम खुली राइटिंग होती है, कुछ कर्सिव राइटिंग्स होती हैं, ये भी तो पैटर्न है ना राइटिंग के, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम वर्ड्स को कनेक्ट करके लिख रहे हैं या वर्ड्स को अलग अलग लिख रहे हैं। सेम चीज हैपेंस विद आवर सिग्नेचर्स, राइट? सिग्नेचर में क्या होता है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ भी काम करने जाता हूँ या जाती हूँ, पूरा हो जाता है, कंप्लीट डन एवरीथिंग, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं अटकाव आ जाता है, वो काम पूरा नहीं होता। कितने लोगों के पैटर्न्स है? कम ऑन, आंसर मी, अनम्यूट कीजिए। कितनों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है आप लोगों के साथ? नहीं, नीलिमा जी धीरे से हाथ छोटा सा एक बार निकाल रही है बस, ताकि होता है, ये होता है, सबके साथ होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे सबके साथ ऐसा होता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। तो आप जानते हो उसका रीजन क्या है? प्रवीण जी बिल्कुल सही। अच्छा, आप लोग अपने सब लोग चलिए थोड़ी छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग अपने सिग्नेचर्स करिए, अपने ही पेपर पेन पे खुद कीजिए, उसको एनालाइज करेंगे थोड़ा सा, एक एक्टिविटी है छोटी सी, ताकि सबको थोड़ा मजा भी आए। क्योंकि अभी हम स्टकनेस की बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्टक होती हैं चीजें हमारी, तो उसका मैं आपको एक छोटा सा एक पैटर्न बताती हूँ। सबने कर लिए? अच्छा, अब मुझे ये बताइए, किसने अपना जो फर्स्ट लेटर है सिग्नेचर का, उसको राउंड किया है? आप में से कोई है क्या, कहीं ना कहीं कोई लूप दिया है फर्स्ट में? हाँ जी, ऐसे ही है कोई, बचपन में करते थे? बचपन में कौन कौन करता था अपने फर्स्ट लेटर को लूप में डालते थे? राउंड मतलब आप कैसे बोल रहे हैं? Means? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिग्नेचर किया और उसके राउंड, चाहे वो आपका सरनेम का हो फर्स्ट लेटर, या जो आपका नाम होता है, नेम होता है, वो फर्स्ट लेटर और उसके ऊपर राउंड बना के अपना सरनेम लिख दिया। मैडम मैं करता रहा था, बहुत मैं करती हूँ, करते हैं ना। अब आप बताइए, आपको लगता है कि आप स्टक होते हो चीजों में, आगे नहीं बढ़ पाते हो? जी जी। तो अभी देखिए, आप लोगों ने खुद अपने सिग्नेचर को एनालाइज किया, एंड यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, उसके ऊपर राउंड करना बंद कर दीजिए इमीडिएटली,
एंड आपके जो स्टकनेस है वो ओपन हो जाएगी। छोटी लेकिन सी चीज बैंकों में भी वो बैंक में भी चेंज करना पड़ेगा ना साइन हर जगह। इसके लिए मैं रेखा जी आपको थैंक्स बोलूंगी ये पॉइंट उठाने के लिए। देखिए आप लोगों ने देखा जो एक्टर्स होते हैं जो फिल्म स्टार्स होते हैं या नेता होते हैं या आपके स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो भी हैं, क्या वो जो बैंक में सिग्नेचर करते हैं वही आपको ऑटोग्राफ में देते हैं क्या? इसको कहते हैं अलायंस सिग्नेचर्स। जैसे पेट नेम होता है ना उसी तरह से हम सिग्नेचर्स भी कर सकते हैं। देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप हर जगह अपने सिग्नेचर्स चेंज करें, तो उसका एक सॉल्यूशन भी है। आप नॉर्मली जो सिग्नेचर प्रैक्टिस कर रहे हो अपने जहां पर आपको बैंक में या उसमें नहीं करना है और बहुत डिफिकल्ट पैटर्न है, ठीक है, तो वहां पर आप मत करो, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी को कहीं साइन करके ऐसे ही दे रहे हो, वहां आप अपने चेंज कर लो जहां पर लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जैसे स्कूल टीचर है, लूप बाहर की जगह अंदर हो तो जैसे मेरा देखिए एक मिनट यहाँ अनुपमा अग्रवाल पन्नो करके आपका ए ठीक है अंदर लूप बनाती हूँ मैं बाहर नहीं बनती लेकिन अंदर नहीं, क्या होता है वो जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है ना उसके ऊपर पूरा राउंड आ जाता है। Okay. No, I'm talking about that loop. जैसे कई लोगों का आदत होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है अंशु अग्रवाल, ठीक है ना, अब मैंने अंशु का ए तो लिख दिया लेकिन जो अग्रवाल है वो उसका भी ए ऐसे करके स्मॉल ए उसके ऊपर करके अग्रवाल लिख दिया, so it could be okay. that way yes. और ये बच्चे करते हैं, आप देखोगे ये जनरली बच्चों के उसमें होता है, ठीक है ना। इसके और भी ट्रेड्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये राउंड का यही है कि आप स्टक हो गए, इसके और भी ट्रेड्स होते हैं। सेकेंडली दिस इज आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिग्नेचर पार्ट, थोड़ा सा इसी तरह से हैंडराइटिंग में भी होता है। जैसे आप ए लिखते हो, स्मॉल ए लिखते हो, है ना, जो हम स्मॉल ए लिखते हैं वो कभी कभी देखोगे आप अंदर लूप बन गया छोटे ए में, कभी कभी ऊपर से खुला रह गया, कभी कभी बहुत बड़ा हो गया, कभी कभी एकदम पतला सा हो गया, तो उसके भी अलग अलग मतलब होते हैं। उसी तरह से बी का भी होता है, ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स के मतलब होते हैं, इंटरप्रिटेशंस होती है, और उनमें से कुछ चीजों को आप अगर चेंज करते हो अपने राइटिंग पैटर्न में तो आप देखोगे जो जहां पर आपकी प्रॉब्लम्स थी वहां पर आपको बहुत फर्क पड़ेगा। फाइनेंसेस, अच्छा आप में से कोई बता सकता है कि कौन सा लेटर है जो फाइनेंसेस को डिनोट करता है? अलका जी आपको छोड़ के वो नहीं है। ओके नीलिमा जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। मैं ए बोल रही हूँ, लेटर ए एंड ए में भी फाउंटेन जहाँ पे होता है लंदन में एम 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 फॉर मनी माउंटेन जहाँ पे आता है मुझे ऐसा लगता है। ओके जी 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 हाँ जी। अच्छा चलिए मैं बता देती हूँ, ये आपको ग्राफोलॉजी की एक कहते हैं ना पोल ही खोल देते हैं। चलिए आज ये जो फाइनेंस है वो वाई से डिनोट होता है, बेसिकली इसको हम वाई से डिनोट करते हैं। आपका वाई कैसा है, कैसे आप बना रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, है ना, एकदम डिफरेंट, ना एम ना ए कुछ नहीं, वाई सोच भी नहीं सकते। तो इसी तरह से हर अल्फाबेट का एक मतलब होता है। जैसे अभी ए किसने कहा था मुझसे, शायद रेखा जी आपने बोला था ए, अच्छा नीलिमा जी आपने बोला था। अच्छा ए कैसे लिखते हो आप, कैपिटल ए कैसे लिखते हो, ऐसे करते हो और फिर बीच में एक लाइन, राइट, है ना। आप मुझे बताओगे ड्राइंग करते हो तो घर कैसे बनाते हो, उसकी छत कैसे बनाते हो, फाइन। तो ए जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, अगेन इंटरेस्टिंग, कभी नहीं सोचा। इंटरेस्टिंग तो आपकी हर बात है मैडम।
आपके हर एक बात इंटरेस्टिंग है मैडम. चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू आपने बताया, क्योंकि लाइन ही बहुत इंटरेस्टिंग है. ग्राफोलॉजी समथिंग डिफरेंट. जब मैं इस चीज को करने, मतलब मुझे भी बहुत, आप जैसी ही अभी भी हूँ बहुत चीजों में, जब मैंने इस चीज को समझा ना, तो मेरे लिए बहुत नई नई चीजें इसमें निकल के आई कि अरे ग्राफोलॉजी से ये भी हो सकता है. मतलब आप सोचिए, लोगों के दर्द ठीक हो जाते हैं ग्राफोलॉजी की प्रैक्टिस करके, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाते हैं, आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. रिलेशनशिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप सोच के देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप सुधर जाएं बहुत लोगों से, जिससे भी आप करना चाहते हैं, सिर्फ एक थॉट प्रोसेस चेंज करना है और अपनी हैंडराइटिंग के कुछ लेटर्स चेंज करने हैं, हाउज दैट? आप टाइम से काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी हैंडराइटिंग दिखा देगी. तो उसमें कुछ पैटर्न्स आपने चेंज किए और आप यू आर थ्रू विद इट. आप पंक्चुअलिटी ला सकते हैं उससे, आप प्रोक्रास्टिनेशन हटा सकते हैं. तो अब देखिए, हैंडराइटिंग जो है वो क्या क्या नहीं कर सकती है, अब हमें इस पे सोचना है. क्या क्या कर सकती है तो उसकी तो लंबी लिस्ट है ना. अब हमें ये सोचना है कि क्या नहीं कर सकती है, राइट? तो चलिए मैं आपको इसकी लिमिटेशंस भी बता देती हूँ. तो इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि सबसे पहले तो जो राइटर होता है उसकी एज नहीं बता पाएगी, ओके? क्योंकि बच्चों की भी राइटिंग ऐसी हो सकती है जैसे हम बड़ों की होती है. ये जेंडर नहीं बता पाएगी, ये नहीं बता पाएगी कि जो राइटर है वो राइट हैंड से लिख रहा है या लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, ओके? ये आपका कास्ट, रिलीजन, रेस, क्रीड ये नहीं बता सकती. ये आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकती है. बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप अपना प्रेजेंट ठीक कर लेंगे तो आप अपना फ्यूचर इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लेकिन हाँ, हैंडराइटिंग के थ्रू हम थोड़ा बहुत बता देते हैं कि अगर आप इस चीज को ठीक करेंगे तो यहाँ आपका फ्यूचर में आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा या आपका ग्रोथ होगा, ठीक है? लेकिन एज सच हम इससे कभी भी फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, क्योंकि हम चेंज कर सकते हैं ना इसको, इसलिए भी डोंट प्रेडिक्ट, राइट? अब आप लोग लिमिटेशंस भी जान गए हैं. अभी तक यहाँ तक अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, नहीं तो मैं फिर आप थोड़ा सा और आगे आप लोगों को बताऊंगी, कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी. आई थिंक यहाँ पर सभी लोग अपना पेपर और पेन लेके बैठे होंगे, और एल्स अगर हो तो ड्राइंग शीट जैसी कुछ आप लेके बैठिए, कुछ और इंटरेस्टिंग शेयर करेंगे आपके साथ. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग अभी तक? इसमें सिक्स नंबर पे है ना, कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और कॉन्शियस, थोड़ा सा रोशनी डालेंगे इसमें? जी जी बिल्कुल प्रवीण जी. देखिए, कॉन्शियसली क्या होता है, आप चल रहे हो, खा रहे हो, कभी आप सोचते हो कि आप कैसे खा रहे हो, कैसे चल रहे हो? नहीं, ऐसे ही जब हम लिखते हैं तब हम कभी भी सोचते नहीं हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे हमने पेपर लिया हुआ है, कौन सा पेन पकड़ के हम लिख रहे हैं. ये बात बहुत होती है, जैसे घर में बेल बजी और वॉचमैन आया किसी पेपर पे सिग्नेचर करवाने, या कोई आपका अमेजोन का पैकेट आ गया उस पे आपको पेपर पे साइन करना है, कुछ भी लेटर आया जिस पे साइन करना है, आप कभी सोचते हो कि कौन सा पेन आप पकड़ रहे हो? नहीं सोचते, है ना? वो जो भी हाथ में आया कर दिया, तो वहां वो हम नहीं सोच रहे, ठीक है? तो वो हमारे कॉन्शियस है कि हाँ, जो सामने दिख रहा है वो करना. सेमी कॉन्शियस क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैं तुम्हारा पेन नहीं यूज करता, मैं अपना पेन लेता हूँ. होता है ना कि अपने घर का ही पेन यूज करना है, सामने वाले का नहीं करना है. सबकॉन्शियस क्या होगा, वो पर्टिकुलर वही पेन यूज करेंगे जो हमेशा करते हैं, चाहे वो घर में से कहीं से भी ढूंढ करें, वो कोई दूसरा नहीं करेंगे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में वो पैटर्न बैठा हुआ है कि मुझे ऐसा ही करना है. होप सो आपको डिफरेंस समझ आया हो, नहीं तो कुछ और एग्जांपल्स. थैंक यू मैम. थैंक यू. हाँ जी, अब बताएं, और किसी को कुछ क्वेश्चन है अभी तक? इतनी देर में तो सबको टाइम मिल गया ना अपना पेपर और पेन लाने के लिए. प्लेन पेपर लाएंगे तो मजा आएगा. शुड आई स्टार्ट? चलिए,
अब आप लोगों से एक छोटा सा काम करवाएंगे बच्चों वाला. चलिए छोटा सा एक काम है, आपको एक प्लेन पेपर के ऊपर एक सीनरी बनानी है. सीनरी बोले या ड्राइंग बोले, जहां पर आप बनाएंगे सन, माउंटेन, ट्री, रिवर, हाउस, ह्यूमन बीइंग, और इसके अलावा आप जो मर्जी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं. ये मैंने कुछ बेसिक सिक्स पॉइंट्स दिए हैं आपको. चलिए बनाइए, आप लोग एनालाइज करोगे खुद अपने आप को. मैम क्या क्या रखा आपने? सन बनाते जाए, सन बनाना है, माउंटेन बनाना है. अभी बचपन पे आ जाइए सब लोग वापस. कैसे हम बच्चों के में ड्राइंग बनाया करते थे ना, ये चीजें तो बनाते थे हम. ट्री बनाना है, रिवर है, हाउस है, ह्यूमन बीइंग है. सीन बनाना है मतलब पूरा. हाँ, जैसे भी आप बनाना चाहें. और ऐसा कुछ नहीं, आपको यहाँ किसी को नहीं दिखाना है, ये आपका अपना है. तो बहुत इस पे कॉन्शियसली सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बना लो. और एक्चुअली अगर आप कॉन्शियसली भी बनाओगे तो भी उसका भी एक थॉट प्रोसेस है. हम जो भी काम अपने हाथ से करते हैं ना, वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड से अटैच रहता है, हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर होता है. आई होप सो सबने बना लिया होगा. इसमें से जो भी नहीं बनाए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. जो बनाना चाहे बनाए, जितना बनाना चाहे बनाए. चलिए, सो सन तो सभी ने बना लिया होगा और माउंटेन भी बना लिया होगा. ये दो चीजें तो बहुत जल्दी बन जाती है. अब मुझे आप लोग बताइए, कितने लोगों ने सन को अपने ड्राइंग को ध्यान से देखिएगा, खुद एनालाइज करेंगे. अब आप लोग आपकी जो ड्राइंग है उसमें सन को कितने लोगों ने राइट साइड ऊपर बनाया है, बीच में बनाया है या लेफ्ट साइड बनाया है, लेफ्ट राइट या मिडिल? हाँ जी पुष्पा जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हो. राइट में है ऊपर. एक मिनट, राइट साइड ऑन द टॉप. राइट साइड ऑन द टॉप, ओके. राइट साइड ऑन द टॉप, फाइन. कितनों ने बीच में बनाया है? रेखा जी ने बीच में बनाया है, मोनिका जी ने बीच में बनाया है, ओके. और कितने जनों ने लेफ्ट में बनाया है? लेफ्ट में बनाया सर, दीदी मैडम. संजय जी, ओके, ठीक है. और कोई शेयर करना चाहता है तो करें, मैं आपको इसका ट्रेड बताती हूँ कि आप किस तरफ बना रहे हो, उसका भी क्या मतलब होता है. राइट में मैम, टॉप में. कोई बात नहीं, इट्स ओके, ग्रेट. चलिए अब मैं आपको इसका एक ट्रेड बताती हूँ सन का. जिन लोगों ने लेफ्ट में बनाया है उसमें मैं दो या तीन चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. पहली बात, अगर आपका सन लेफ्ट में है तो आप अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच नहीं है, या तो फिर वो यहाँ है ही नहीं आपके साथ, या फिर आप पास्ट में उनसे कनेक्टेड नहीं थे. जिन लोगों ने लेफ्ट में बनाया है, जैसे संजय जी ने बोला था, आप बताएं. हाँ मैडम, ठीक बोला है आपने, ठीक है. हाँ, इन लोगों ने बीच में बनाया है, आप अपने फादर को देखते हो और उनका सपोर्ट आपको आज भी है. यू फील लाइक कि ही सपोर्ट्स यू, भले वो आपसे दूर हो पास हो, बट उनका एक सपोर्ट आपके साथ है प्रेजेंट लाइफ में भी. बताएं जिन लोगों ने मिडिल में बनाया है. यस मैम, यस राइट.
नाउ कम्स द राइट साइड. राइट सर मैडम, मेरे मतलब जो अभी आपने बताया ना वो 110% सही है. थैंक यू. नाउ जो राइट साइड में जिन लोगों ने बनाया है उसका मतलब ये है कि फ्यूचर में भी आप अपने फादर की तरफ देखते हो और उनका आशीर्वाद हमेशा अपने फ्यूचर गोल्स के लिए भी चाहते हो. यू डोंट वांट टू गेट डिस्कनेक्टेड विद हिम. जिन लोगों ने राइट में बनाया है प्लीज आप लोग बताएं. आप हर चीज में उनका मतलब नाम लोगे या उनको एसोसिएट करोगे अपने से, जिन लोगों ने भी राइट में बनाया है. ठीक है मैडम जी, बिल्कुल ठीक है. ठीक है, यस मैम. है ना, तो देखिए आप सन बना रहे हो और सन ही कितनी चीजें आपके प्रेडिक्ट कर देता है. इट्स अ सिंबल, राइट? एक सिंबल ही तो है. तो वैसे ही जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो भी तो सिंबल्स ही हैं. तो हर एक अल्फाबेट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता जरूर है और वो आपकी लाइफ को इंटरप्रेट करता है. अब आप खुद सोचिए, आप इतने सारे लोग बैठे हैं, मुझे कैसे पता आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है. बट एक सन की पोजीशन से आई कैन इंटरप्रेट कि आप फादर को किस तरफ देखते हो, कहाँ है और क्या है, राइट? आप खुद सोचिए, अल्फाबेट्स जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं आपके, जो पेपर के ऊपर आप पूरा ड्रॉ करते हो, लिखते हो, किस तरह से लिखते हो, वो क्या क्या इंटरप्रेट कर सकता है आपके बारे में, और आप उन्हें थोड़ा सा चेंज करके कितने चेंजेस ला सकते हो अपनी लाइफ में, राइट? इनमें से आप लोगों ने जो जो बनाया, अगर आप इनमें से कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं. तो जिन लोगों ने बनाया है, माउंटेन, ओके, सन बीच में है, पंछी, ओके, हट बनाई है, रिवर, ओके, वो ऊपर क्या है ऐसा ऐसा, राइट साइड इधर पंछी में, मैडम पंछी भी बनाया है. अच्छा, पंछी है मैडम, पंछी बनाया है, डग मतलब बादल बनाए हैं, पेड़ बनाए हैं, हाँ पेड़ भी बनाया है, माउंटेन भी बनाया, रिवर भी बनाई, नीचे जो घास उगी है वो भी बनाई, मतलब बादल भी बनाए हैं ऊपर. हाँ जी, ओके ओके, छोटे बच्चे और मतलब फैमिली बनाई पूरा. ग्रेट ग्रेट. अच्छा चलिए, ह्यूमन बींग का बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सब चीजें तो मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी, इसमें सिर्फ इतना ही नहीं होता है. हाँ जी, मैंने देखा मोनिका जी आपका भी तो इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे कभी कुछ लोग ब्रिज बनाते हैं, है ना, आपने घर की विंडो खोली है, बंद रखी है, वो भी इंटरप्रेट होता है. यू नो, इट इज ऑल सिंबॉलिक. सी, ड्राइंग्स आर सिंबॉलिक, कंप्लीट सिंबॉलिक, है ना. मैं, हम यहाँ पर हैंडराइटिंग और इसी की चीज को मैं आपको बोल रही हूँ कि आप खुद देखिए और सोचिए कि आपका जो हाथ है वो जिस तरह से चल रहा है वो कितना ज्यादा कनेक्टेड है आपके माइंड से या आपकी लाइफ से. दैट इज द मेन पार्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू यू नो एक्सप्लेन हियर. आपके थॉट प्रोसेस आप देखिए, ड्राइंग के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से आपने पूरा पेपर पे उतार दिया, एंड आई कैन इंटरप्रेट बाय जस्ट सीइंग इट. चलिए एक और चीज मजेदार बताती हूँ, ये तो आप लोगों ने बना लिया. अच्छा, माउंटेन जो होता है वो भी फादर को रिप्रेजेंट करता है, ओके? उसके अलग अलग ट्रेड्स है, स्टीप है, फ्लैट है, क्या है, तो सब चीजें उसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, फाइन. चलिए, और रिवर जो है वो पैसों को इंडिकेट करता है, हाउस है तो वो आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है एंड ऑल उसको रिप्रेजेंट करेगा. ह्यूमन बीइंग्स अगेन द पीपल, सोसाइटी, सोशली हाउ यू आर कनेक्टेड एंड ऑल उसको रिप्रेजेंट करता है. ट्रीज फॉर ग्रोथ, ये सब चीजें हैं, लेकिन किस तरह की क्या बनी है और आपका क्या स्ट्रक्चर है लाइफ को जीने का, आप उसको चेंज करके कितना कर सकते हैं. मैं आपको इस पर एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. एक बच्चा था हमारे घर में ही, तो मैंने मतलब देखा उसको कि वो कैसे ड्राइंग बना रहा है, ओके? वो जो ड्राइंग बना रहा था उसमें वो जो हाउस बनाया था उसने, वो जो नॉर्मल हम बनाते ना इस तरह से, एंड वी जस्ट मेक अ बॉक्स, रेक्टेंगल बनाया, खिड़की बनाई, वो सब बनाया, लेकिन सेम चीज जो उसने आगे बनाई वो ही घर के पीछे भी बनाई.
आई जस्ट हैपन टू आस्क हिज मदर, मैंने कहा इसको क्या रहता है ये, मतलब चीजों को मतलब अंदर आता है, मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन से बैठेगा पढ़ने के लिए, लेकिन उसी स्पीड से माइंड डाइवर्ट होता है, भाग जाता है. बोलते हाँ बिल्कुल सही. मैंने कहा इसका ये जो घर है ना, ये यहाँ से फ्लैट कर दो, यहाँ से इसका बंद करवा दो, तो कॉन्सेंट्रेशन और उसका मतलब घर के अंदर मन लगने लगेगा, घर के बाहर कम जाएगा. यू नो इट इज, इट वॉज जस्ट अ थ्रू वे फॉर हिम. घर क्या है, आना है और जाना है, घर में नहीं रुकना है. सी दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट. तो वो जब से किया तो वो बैठता है, शांति से पढ़ता है, काफी चीजें चेंजेस होती हैं. ये घर को घर समझता है. तो छोटी छोटी चीजें हैं. अब ये छोटी सी चीजें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत बड़ी नहीं है, बट इट इम्पैक्ट्स. ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, देन सिग्नेचर्स हैं वो भी आपको इंटरप्रेट करते हैं. चलिए आप लोगों से और थोड़ा सा और काम करवाएंगे, थोड़ा सा सिग्नेचर पे भी बात करेंगे. हैंड राइटिंग तो आपने करनी है, वो तो पक्का हो गया है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं बहुत सारी चीजें उनकी इम्प्रूव हो जाए, और वो श्योरली आई विल हेल्प यू आउट एवरीवन. तो सिग्नेचर्स की चलिए बात करते हैं. मजेदार है कुछ तो, और फेमस है, आप सब देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट कियोसाकी, सचिन तेंदुलकर, डोनाल्ड ट्रंप, इनके तो सबने नाम सुने हैं बहुत अच्छे से, राइट. चलिए अमिताभ बच्चन का अगर आप देखेंगे सिग्नेचर, ए बहुत बड़ा है और बी बहुत बड़ा है. आप अगर उनकी पर्सनालिटी को जानते हैं, समझते हैं, तो वो अपने आप को बहुत ऊंचा, उनका जो पर्सनालिटी है वो बहुत ऊंची है, एक तरह से लोग उनको बहुत ऊंचा देखते हैं, और वो अपने परिवार को बहुत ऊंचा देखते हैं. ऐसा ही है ना, उनके लिए उनके फादर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप देखिए बच्चन जो सरनेम होता है वो फैमिली का होता है. बच्चन मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बच्चन ओनली, जो सरनेम होता है इट रिप्रेजेंट्स योर फैमिली, तो वो अपनी फैमिली को बहुत ऊंचा देखते हैं, राइट. चलिए रॉबर्ट जी को थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है जानते भी ना हो, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. सचिन जी से देखते हैं, सचिन तेंदुलकर. आप देख रहे हो जो तेंदुलकर है उसका जो टी है, उसका जो ऊपर आंख बनाया है, यू नो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स. Continuous process of learning and growth. Fine? Easy है समझना. Continuous process है, कहीं ना कहीं नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है, but it is a continuous process. लेकिन उसके बाद जब वो सब छोड़ा तो he is a family man now, एक तरह से. तो आप देखेंगे वो family जो है, तेंदुलकर is the family. You know, it represents the family. तो जो टी है उनका वो अंदर की तरफ आ गया, कि फैमिली के अंदर आ गया. सब चीजें हैं, बहुत कमाया, सब कुछ करा, बहुत नाम कमाया, बट अगेन आफ्टर द ग्रोथ एंड द प्रोसेस एंड एवरीथिंग ही हैज कम बैक टू हिज फैमिली. सबसे इंटरेस्टिंग है लास्ट वाला, इसको कोई प्रेडिक्ट करके बताए. डोनाल्ड ट्रंप, एनीवन ऑफ यू, कम ऑन स्पीक अप, मजा आएगा. थोड़ा सा तो इंटरेस्टिंग बनाइए इसको, अब तो प्रेसिडेंट भी नहीं रहे. अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी है जी, अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी, राइट, वेरी नाइस. एंड too much of fluctuation, right, and very much hidden one, very much hidden things, hidden things, secretive, kyunki kuch clear hi nahi hai kya likha hai. Yeah, very secretive. See, aap log to signature analysis ban gaye, signature analyst ban gaye sab. Bahut interesting signature hai actually, wo usse aap bahut kuch predict kar sakte ho. Thoda sa sochenge, thoda sa samjhenge cheezon ko, बहुत इजी है समझना.
एंड अगेन इनका सेल्फ सैबोटेज भी है, खुद को ही खत्म, डाउनफॉल. यस, इन लोगों के कैरेक्टर्स हम जानते हैं, इन लोगों को समझते हैं, तो इनके कैरेक्टर्स और इनके वो हम सिग्नेचर से भी पता कर सकते हैं, है ना. सो दिस इज हाउ यू नो द थॉट प्रोसेस आर ऑन योर पेपर थ्रू योर पेन एंड हैंड राइटिंग एंड योर हैंड्स. इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, बहुत मजा आता है. अब मतलब जैसे जैसे लोगों के आप देखोगे ना चीजों को कि क्या होती है, अभी सबकी हैंड राइटिंग्स को आप पढ़ना शुरू करोगे, आप देखना शुरू करोगे कि अरे तुमने अच्छे से नहीं लिखा है, बहुत क्लमजी लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा लिखो, क्लियर लिखो, आप यहीं से शुरू हो जाओगे. राइट, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट. वन सेकंड, पूरी कंप्लीट ग्राफोलॉजी जो है उसमें बहुत सारे पार्ट्स है. कुछ हैंड राइटिंग है, कुछ अल्फाबेट्स होते हैं, फिर सिग्नेचर है, ड्रॉइंग, ये सब कुछ ग्राफोलॉजी के अंदर आता है. ग्राफो क्या है, जो ग्राफ होता है, ग्राफ इज व्हाट, आप लोगों ने सबने वो ग्राफ्स बनाए हैं ना स्कूल टाइम में मैथ के, है ना, तो वही है ग्राफ है वो. और लॉजी मतलब लॉजिक, जो आप ग्राफ लॉजिकली बनाते हो, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स होते हैं, उसको हम ग्राफोलॉजी कहते हैं. फाइन, इसमें एक और आता है ग्राफोथेरेपी, कि जो चीजें हम ठीक करके अपनी ग्रोथ के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो हम थेरेपी में यूज करते हैं. फाइन, सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क, द फोरम इज ओपन फॉर एवरीवन. दैट्स इट, तो आगे बढ़े. हाँ जी मोनिका जी पूछिए. सो ये सब चेंजेस का इम्पैक्ट कितने टाइम में होता है, मतलब व्हाटएवर चेंजेस वी मेक. ट्रू, ओके, फाइन, गुड क्वेश्चन. देखिए, अगर आज आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बाद में ही आता है. दवाई आप खाते हो तो उसका रिजल्ट थोड़ा बाद में आता है, अगर आपने खाई है तो, तरीके से खाई है. सेम वे आप कोई भी काम करते हो तो उसके रिजल्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है. अगर मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए है, तो आप उस पे मत जाइए. ए है, उसको मैं आपको बताती हूँ एज ए थेरेपिस्ट कि आप ए को इसी तरह से बनाइए, है ना. तो अभी वो जो अभी तक आप इतने सालों से ए एक पैटर्न में बना रहे हो और अचानक से आप चेंज कर रहे हो, तो आपको वो प्रैक्टिस करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपके थॉट प्रोसेस को चेंज होने में लगेगा, और जितना टाइम आपके थॉट प्रोसेस को चेंज होने में लगेगा उतना ही टाइम रिजल्ट आने में लगेगा. इट इज जस्ट साथ बस, मतलब यू नो हैंड इन हैंड चलते हैं ये सब चीजें. आज मैंने आपको बोला कि आपने ए लिखो, आप कम से कम 21 दिन तक तो मिनिमम प्रैक्टिस करो, 40 डेज करो, 80 डेज करो, जितना मर्जी प्रैक्टिस करना है, एक टाइम बनाओ. क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ग्राफोलॉजी ना थोड़ा सा एनएलपी से भी कनेक्टेड है, और एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ योर माइंड, है ना. तो आप अपने माइंड में क्या लैंग्वेज फिट कर रहे हो उसके ऊपर रिजल्ट आता है. सेम वे जैसे कंप्यूटर में आपने कुछ टाइप किया है ना, तो जो आप टाइप करोगे उसी का रिजल्ट वो आपको देगा. तो उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पैटर्न हम डालते हैं उसी का रिजल्ट हमको मिलता है. तो जिस तरह से आप लिखना शुरू करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे हम बोलते हैं सिग्नेचर्स भी, आपको पता है कि बोलते जो सिग्नेचर एनालिस्ट होते हैं जो सिग्नेचर्स को ठीक करवाते हैं या चेंज करवाते हैं, वो बोलते हैं कम से कम 1000 टाइम्स मिनिमम आप लिखो, ताकि वो सिग्नेचर का पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए. अगर आपको रात को भी सोके कोई उठाए और बोले कि अपना सिग्नेचर करके दो, तो आपका सेम वही सिग्नेचर आना चाहिए, वो प्रैक्टिस चाहिए. तो इसमें बहुत रेसिस्टेंस भी होता होगा ना, मतलब इन द सेंस इवन इफ आई वांट टू डू इट आई मे नॉट बी एबल टू गेट दैट थिंग डन. बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बोली है मोनिका जी, बिकॉज आई टेल यू, मेरे एक क्लाइंट है, उनको हमने मैंने कुछ अल्फाबेट दिया लिखने के लिए, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल, और उनसे वो लिखा ही नहीं जा रहा है.
मतलब शी वॉज नॉट एबल टू राइट इट, अब सोचो, और उसके आसपास के अल्फाबेट्स वो आराम से लिख पा रही है, वर्ड्स लिख पा रही है, सब हो रहा है, बट वो पर्टिकुलर अल्फाबेट जिसमें जो उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड था वो उनसे लिखते ही नहीं बन रहा, इट वॉज टेकिंग टू मच ऑफ टाइम, और फिर भी वो ढंग से नहीं लिखा जा रहा था उससे, बिकॉज प्रॉब्लम वही थी और वही चीज सुधारनी थी, बट शी वॉज वेरी कंसिस्टेंट और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस चीज को लिया, एंड शी रियली प्रैक्टिस इट वेल, आप बिलीव नहीं करोगे वो एक टाइम में बैठ के पांच पांच छह छह पेजेस उसकी प्रैक्टिस करती थी, तो आप सोचो, एंड शी वॉज वेरी एडमिन की नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे कैसे नहीं आ रहा है, सो वो जो जिद थी उनकी, इट गेव द पॉजिटिव रिजल्ट एट द एंड, उनका जो पर्सनैलिटी था उसके ऊपर जो जहाँ ब्लॉकेजेस आ रहा था उनका, वो इमिजिएटली ओपन हो गया, एंड शी कुड फील हरसेल्फ एंड सी हरसेल्फ इन डिफरेंट लाइट, सो ये चीज होती है कि आपको रिस्ट्रिक्ट होता है, आप नहीं लिख पाओगे, बहुत चीजें आ जाती हैं ऐसी, ओके, सो ऐसी चीजें बहुत सारी हैं, ये तो मैंने बस आपको, आप मान के चलो 1-2% बताया ग्राफोलॉजी का, ये तो बहुत डीप सब्जेक्ट है, आप सोचिए ए टू जेड सारे अल्फाबेट्स हैं, हर एक अल्फाबेट के कम से कम 10-15 ट्रेड्स हैं अलग अलग पैटर्न से लिखने के, और हर एक का मतलब अलग होता है, सिंबल्स अलग होते हैं, सो इट्स अ डीप डीप थ्योरी और बहुत अच्छी थ्योरी है, और दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, आई होप सो आप लोगों को मजा आया होगा, और एक चीज आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी, एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, कितने लोग हैं जो स्कूल में और आज भी अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसके साथ कॉपी पे डिजाइन बनाते रहते हैं बैठ के, कम ऑन, दिस इज अगेन एन इंटरैक्टिव सेशन, बताएं, और मुझे पता है बहुत सारे हैं, देखिए अभी दो के तो हाथ हैं, बाकी तो सबके विंडोज बंद है, तो आई कांट सी देम, तो आप अनम्यूट करके ही बोल दें, या मैम अब मुझे सिर्फ एक आंसर और दीजिए, जो लोग बनाते हैं उनसे पूछ रही हूँ, आपकी मदर खाना कैसा बनाती है, मस्त खाना बनाती है, अच्छी बनाती है, अच्छा खाना बनाती, बेस्ट बेस्ट फूड है ना, देखिए ये भी एक इंटरप्रिटेशन है कि जो लोग बैठे बैठे कुछ ना कुछ यू नो कुछ बनाते रहते हैं पेपर के ऊपर या मार्जिन्स के ऊपर यू नो ड्राइंग करते रहते हैं लिखते लिखते, उनकी मदर्स खाना बहुत अच्छा बनाती है, है ना मजेदार चीज, यस यस, और मैडम जो नहीं बनाते हैं, हाँ जी जो नहीं बनाते हैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे, नहीं समझ आ रहा, थोड़ा सा आवाज, जो नहीं बनाते जो ड्रॉ नहीं करते उनका क्या, जो नहीं करते उनके, देखिए उनके और भी अलग अलग ट्रेड्स होते हैं, ये तो जो है जो एकदम इमीडिएटली आप यू कैन मेक आउट, है ना, ये वो ट्रेड्स हैं, इसमें कुछ बहुत सारी डीप चीजें हैं, ये तो जैसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो यू नो हम एकदम इमीडिएटली कैच कर सकते हैं, वो जो चित्र ना बना के लिखते रहते हैं साइडों में जैसे कि अपना, सॉरी प्रवीण जी, प्रवीण जी सॉरी, मेरे यहाँ ना थोड़ा बारिश का इशू आ रहा है तो बहुत ज्यादा थंडर है, एक मिनट जस्ट लेट मी पुट द, हो सकता है थोड़ा आवाज बाहर का कम आए, हाँ जी अब बोलिए प्रवीण जी, जैसा कि आप, जैसा कि आपने बताया कि वो पिक्चर बनाते साइडों में, अगर वो पिक्चर ना बनाते वर्ड्स में लिखते रहे तो, बाप पिक्चर बनाते हैं साइड में और उसके बाद क्या बोला आपने, अगर कुछ लिखते हैं तो वर्ड्स में, अगर कुछ लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कम टाइम में ज्यादा काम करना चाहते हो, अब बताएं, नहीं ठीक है मैडम बिल्कुल, चित्र नहीं बनाता हूं बट साइडों में लिखता हूं मैं उसमें, क्योंकि आप रिसोर्सेस कम यूज करके आप चाहते हो कि उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ जाए, इतने में है तो इतना काम करके फटाफट रिजल्ट आ जाए, बिल्कुल
एनीथिंग एल्स अगर कोई हाँ जी मैं टॉप शेयर अच्छा ओके फाइन तो इसमें हम क्या क्या मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी हम क्या क्या सीखने वाले हैं कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है अच्छा पहली बात तो ये है कि ये कौन किस किस चीज कहाँ कहाँ आपको जरूरी है और कहाँ कहाँ आप लोग यू नो चीजों को यूज कर सकते हैं ये जितने भी एचआरस हैं उनके लिए तो मैं स्पेशल रिकमेंडेशन है ये क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यूज लेते हो और यू नो उनका रिज्यूमे लेते हो अपने जो भी आते हैं इंटरव्यू देने वहाँ ये बहुत काम आती है उनके सिग्नेचर्स वो आपको बता देंगे कि भाई ये बंदा सेल्स के लिए है मार्केटिंग के लिए है ठीक है किस लेवल पे आपको उसको पोस्ट देनी है और ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है और क्या उसकी पर्सनैलिटी एवरीथिंग इज प्रिडिक्टेबल तो ये ऑफिस में बहुत काम का है सेकेंडली टीचर्स के लिए बहुत काम का है बिकॉज टीचर्स जो है इससे अच्छा एक चीज़ और इससे एडिक्शंस भी पता चल जाते हैं आपकी राइटिंग से आपके एडिक्शंस आपका बिहेवियर पैटर्न कि आप घर में कैसा बिहेव करते हो बाहर कैसे यू नो मैंने जैसे आपको बताया सोशली भी यू कैन रिकॉग्नाइज तो बच्चों के लिए बहुत है कुछ चीज़ें होती है कि बच्चे छुपा जाते हैं नहीं बताते तो आप उनकी राइटिंग से पता कर सकते हो कि उनको तकलीफ क्या है तो बेसिकली ये काउंसिलर्स के लिए बहुत अच्छा है फिर आपका और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि पुलिस वालों के लिए भी बहुत मजेदार है वो अपने जो क्रिमिनल्स हैं उनकी हैंडराइटिंग एनालाइज कर सकते हैं राइट ये जो आपकी ईडी एंड ऑल सो एंड सो फोर्थ जितने भी हमारे ये चलती हैं यहाँ पर ये काम करता है जितने भी क्रिमिनल ऑफिसेस हैं जो इन चीजों को पकड़ने के लिए होते हैं जैसे कस्टम्स में है वहाँ ये यूजफुल है इवन मेरे जो मेंटर हैं शायद आप इससे कोई पता नहीं जानता है इस स्टोरी को या नहीं उनको एक स्कूल में बनाया गया बुलाया गया था टॉयलेट के ऊपर लिखा हुआ था कुछ लिखा हुआ था और ये इंटरप्रेट करने के लिए कि ये जिसने लिखा है वो कौन है और उसका माइंडसेट क्या है जस्ट इमेजिन तो वहां पर उन बच्चों की हैंडराइटिंग सैंपल्स लिए गए और उसमें से उसको मैच करके और ये पता किया गया कि भाई ये किसने लिखा है पहले तो ये और फिर उसका माइंडसेट क्या है कि उसे टॉयलेट में ऐसा तो ये चीज कितनी काम की है जस्ट इमेजिन इट है ना थोड़ा माइंड ब्लोइंग हुआ कुछ नया इंसाइट मिला आप लोगों को यस मैम इट्स क्वाइट गुड यस मैम वेरी इंटरेस्टिंग बहुत डिफरेंट है जो चीज पे हम सोचते नहीं ये वो है तो बहुत जगह काम आता है आपके ऑफिसेस में प्यून पे घर में एवरीवेयर यू कैन यूज इट एवरीवेयर सिंपल्स है कोई ड्राइंग कर रहा है बच्चा तो आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो आप कुछ बना रहे हो तो उसको इंटरप्रेट कर सकते हो हर जगह यूजफुल है हर जगह राइट तो मैम अगर किसी की हैंडराइटिंग या ड्राइंग खराब है या कुछ ऐसा तो उनका मतलब उनको क्या कर सकते बोल सकते सही तो है हाँ बिल्कुल आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हो कहाँ प्रॉब्लम है उसका जो थॉट प्रोसेस है वो क्यों है ऐसा है ना वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो लेकिन कभी कभी किसी की जिंदगी बड़ी खराब मतलब हैंडराइटिंग बड़ी खराब होती है लेकिन लाइफ बड़ी अच्छी होती है किसी की हैंडराइटिंग अच्छी होती है लेकिन लाइफ खराब होती है तो उसमें हम कैसे उसको जज कर सकते हैं देखिए हैंडराइटिंग जो आप देख रहे हो आपके हिसाब से खराब है और बाकी कुछ हिडन चीजें भी होती है उसमें जब आप इस कोर्स में आओगे तो वो हिडन चीजें भी तो ओपन होंगी कि अच्छा देखने में अच्छी नहीं है लेकिन उसके अंदर की जो चीजें हैं अब अच्छा आप मुझे बताओ मैंने आपको ये डोनाल्ड ट्रम्प का जो सिग्नेचर किया इससे आपने बोला बहुत कंफ्यूज है ये है वो है तो अगर ऐसी राइटिंग कोई लिखेगा तो आपको खराब ही बोलोगे उसको बट अब आप उसकी पर्सनैलिटी और देख लो वो कहाँ था है ना एक चीज बोलना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की लाइफ इंटरनल लाइफ जो है बहुत अच्छी थी वो अपनी फैमिली के लिए और सराउंडिंग के लिए बहुत बहुत ही अच्छे हैं ये शायद कोई नहीं जान पाया क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट मतलब वो उन्होंने शो नहीं किया उनको सबको गुस्सेल और जिद्दी ही देखते हैं हाँ
क्योंकि उनकी जो सिग्नेचर है उसमें सीक्रेट्स हैं। एनालाइज नहीं, देखिए मैंने क्या कहा वो बहुत सीक्रेटिव है। अब सीक्रेटिव किस लाइन पर है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, समझे। यहाँ पर जो दिखा रहे हैं कि वो दिखा रहे हैं कि जो वो है वो नहीं दिखाना चाहते, वो सिंपल दिख रहा है उनके सिग्नेचर से। कुछ एरिया में क्लैरिटी कंफ्यूज है, ये तो सबको क्लैरिटी नहीं है। वो इंटरनल जो है वो नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर किसी को प्रॉपर सिग्नेचर पढ़ना आता है तो दे कैन इंटरप्रेट, बहुत इजी है। ओके राज जी, जी वो तो ठीक है, लेकिन सभी प्रेसिडेंट का ऐसा ही होता है। अगर आप ज्यादातर देखेंगे तो वो कोई हैप्पी गो पीपल नहीं है, मतलब दिखाएंगे नहीं, शो नहीं करेंगे आपको। उनकी पब्लिक लाइफ क्या है ये कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बोल रही है रेखा जी। हाउस लाइफ जो है वो क्या है वो कोई नहीं जान सकता। और ना ही वो जानना देंगे, ना ही वो उनकी पर्सनैलिटी होती है प्रेजेंट बनने की। बिल्कुल बिल्कुल, रेखा जी ने यही तो बोला। कुछ लोगों के सिग्नेचर बड़े गंदे होते, राइटिंग बहुत गंदी होती लेकिन वो बहुत फ्लरिश कर रहे होते, और कुछ लोगों की बहुत अच्छी होती है लेकिन वो फ्लरिश नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। लेकिन जो एनालाइज करते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, वो निकाल लो कि क्या हिडन है। और यही सीखने तो आप लोग आए हैं। नॉट एवरी टाइम, हिडन चीजें ही तो सीखने आए हैं, है ना। चलिए तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा कोर्स कंटेंट बता देती हूँ जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हैंडराइटिंग क्या है, जिसका एक जिस्ट मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है कि हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी क्या है। ग्राफोलॉजी इज अ बिग टर्म, जैसे बायोलॉजी है एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे जूलॉजी बॉटनी ये सब आ जाता है। उसी तरह से ग्राफोलॉजी एक बिग टर्म है और उसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। फिर ग्राफोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है आपकी पर्सनालिटी पर, किस तरह से आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ग्राफोलॉजी कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर लिखने का सही तरीका क्या है, जैसे मैंने आपको बोला इंग्लिश की कॉपी पे हम चार लाइन होती हैं, उसको हम जोन्स कहते हैं, तो उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे ठीक करना है। मार्जिन्स, बॉर्डर्स जिसको आप कहते हो इन जनरल, फर्स्ट मार्जिन तो सबको पता होती है लेकिन लास्ट में कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन लास्ट में भी मार्जिन होती है, ऊपर भी एक मार्जिन होती है, नीचे भी एक मार्जिन। ओके, साइज कितना है आपकी हैंडराइटिंग का, वो भी मायने रखता है। प्रेशर कितना आप डाल रहे हो, आपका जो राइटिंग है वो सीधा है लेफ्ट साइड को है या राइट साइड को, दैट ऑल्सो काउंट्स। फिर आपकी पर्सनैलिटी के 8 ट्रेट्स मैं आपको ऐसे बताऊंगी जहां पर आपकी हैंडराइटिंग आपको बताती है और जो बहुत प्रोमिनेंट है, ये आप खुद सीखोगे, आप अपने साथ साथ दूसरों को भी प्रिडिक्ट कर पाओगे। स्क्रिबलिंग क्या होती है, आप अपने प्रस्पेक्टिव को, माइंडसेट को अपने कैसे चेंज कर सकते हो इन चीजों से, वो आपको डिटेल बताया जाएगा। आपके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना वो बताया जाएगा। सिग्नेचर को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाएगा क्योंकि वो भी काफी डीप है, बहुत सारे उसमें ट्रेड्स होते हैं, तो उसमें से कुछ ट्रेड्स आपको सिखाए जाएंगे इसमें। अल्फाबेट्स जो हैं, जितने भी ए टू जेड अल्फाबेट्स हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स होते हैं और कुछ होते हैं कैजुअल, ओके। तो वहां पर आपको उनका मीनिंग, हर एक अल्फाबेट का मीनिंग और उसका इंटरप्रिटेशन बताया जाएगा। अल्फाबेट वर्ड्स और सेंटेंसेस का कनेक्शन क्या होता है, ये इसमें आएगा। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपके फियर्स हैं, या आप फ्लाइट ले लेते हो वहां से, मतलब चीजों को छोड़ के जाने वाली जो बातें होती हैं वो क्या हैं, वो आएंगी इसके अंदर। आपके जो आउटकम्स हैं, जो आप ग्रोथ के लिए आउटकम चाहते हो, जो रिजल्ट चाहते हो, वो आप कैसे अपने ठीक कर सकते हो, वो आएगा इसमें। आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, जैसे हम मेनली तो हम चार या पांच ही लेते हैं, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, आपके सोशल स्टेटस होता है, ये सब इसमें कवर किया जाएगा। अब आता है एनालिसिस। अगर आप किसी का हैंडराइटिंग सैंपल लेते हो
तो आपको किस तरह से उसको एनालाइज करना है, उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, वो सब आपको इसमें बताया जाएगा. प्रैक्टिकल, कैसे आपको प्रैक्टिकली इसको डेली प्रैक्टिस करना है, कौन से अल्फाबेट्स हैं, आपकी स्ट्रेंथ और जो पीयर्स हैं उनके ऊपर आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करके उनको ठीक कर सकते हैं. ठीक है, फिर रीडिंग सैंपल्स हैं जो आपको कैसे लेना है, क्या क्या उनसे अपने क्लाइंट से मांगना है आगे, ये सब आपको इसमें आ जाएगा. और ड्रॉइंग और सिंबल एनालिसिस जो हमने आज थोड़ा सा एक देखा सन का, वो इसमें थोड़ा सा है, उसमें थोड़ा सा डिटेल आगे. सो दिस इज द 2 months कोर्स बेसिकली. तो इस तरह से ये सब चीजें इसमें 2 महीने में आपकी कवर हो जाए. एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क मैम? ये अंग्रेजी के ही अक्षर होंगे या हिंदी मराठी में भी होंगे? देखिए ऐसा तो ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई है ये सारी इंग्लिश में ही होती हैं, और एनालिसिस जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं. एनालिसिस मतलब आप सैंपल्स भी जो है वो हिंदी, मराठी, आप कन्नड़, चाइनीज, आप कोई भी लैंग्वेज में ले सकते हो. नहीं मुझे ये पूछना था कि हम इंग्लिश के अल्फाबेट देख के ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई अगर हमारे पास आए जो इंग्लिश में लिखता हो, मराठी लिखता हो, कोई कोई लोग मराठी में भी सिग्नेचर करते हैं, तो उसके लिए मतलब ये यूज? हाँ जी बिल्कुल पता कर सकते हो आप सारे ट्रेड्स पता. ओके ओके थैंक. Any other question if you want to ask? मैम इसका फीस वगैरह? हाँ जी फीस स्ट्रक्चर भी दे देते हैं. मैं अकेडमी को बोलती हूँ थोड़ा स्लाइड शो, ये मैं अपना बंद कर रही हूँ, आप लोग इसका क्लिक कर सकते हो चाहिए तो. मैम वन क्वेश्चन. हाँ जी. सिग्नेचर चेंज करने से क्या लाइफ में कोई पर्सनालिटी चेंज होती है, कुछ चेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं. अच्छा. आपका नाम बदलते हो आप, उससे भी चेंजेस आते हैं. आप सिग्नेचर बदलते हो? नेम तो चेंज नहीं, जनरली बहुत कम ही लोग करते होंगे, बट हाई प्रोफाइल लोग करते होंगे नेम में भी. नेम चेंज में एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो अल्फाबेट्स होते हैं ना वो आप इधर उधर कर लेते हो, नाम वही रहता है. ओके राइट. सिग्नेचर पे वही चेंजेस होते. मेरे नाम में भी डबल एस है. अच्छा. हां तो ये फर्क पड़ता है कुछ चीजों में, वहां हम करते. तो मैम यहाँ पे कोर्सेस में आप सारे लेटर्स के सिग्नेचर कौन से बेटर होंगे, किसके लिए किस नाम नेम के अकॉर्डिंग? कुछ आपको ट्रेड्स बताऊंगी, वो आप अपने आप उसको करोगे, क्योंकि सिग्नेचर और ड्राइंग का एक अलग है, पूरा सेशन ही अलग है. अच्छा ओके. तो उसके क्लासेस तो अलग से लेते हैं क्या? हाँ जी वो अलग होगा, वो हम बाद में अकेडमी में. तो यहाँ पे ओनली हैंडराइटिंग की जो है वही किया जाएगा राइट? हाँ जी कंप्लीट हैंडराइटिंग. देखिए क्या होता है सिग्नेचर में भी क्या है तो अल्फाबेट से है ना. अगर आपको अल्फाबेट समझ आने लग गए, बेसिक्स है ना ये, तो अगर आपको बेसिक्स समझ आने लग गए तो आपके लिए तो बहुत इजी हो गया ये बाकी सब चीजें, आप खुद ही प्रेडिक्ट करने लग गए. बच्चों के लिए भी काम आएगा ये. हाँ अच्छा मैं एक चीज और बोलती हूँ हमेशा, बच्चों के जो सिग्नेचर्स होते हैं ना वो शुरू से ही सही करवाना शुरू करें ताकि उनको आगे चल के कभी प्रॉब्लम्स ना आए इन सब चीजों को लेकर. तो अगर आप एक बार सीख जाते हो कि किस तरह से आपको हैंडराइटिंग लिखनी है, किस तरह से सिग्नेचर्स बनाने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं, तो ये सब इन सब चीजों पर फिर बड़े होके ना ध्यान देने की जरूरत है. राइट. बचपन से ये सब चीजें आएंगी तो अच्छा रहेगा. इसमें हैंडराइटिंग की जो आप ज्यादातर ये भी आता है क्या, मतलब कितने ब्यूटीफुली दे कैन राइट, ये भी आता है? जी बिल्कुल. अच्छा. तो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं. ओके राइट. देखिए लाइंस हैं, अल्टीमेटली सिंबल्स हो
चाहे आपकी हैंड राइटिंग हो, चाहे कोई भी पार्ट है, तो अल्टीमेटली लाइन्स या सर्कल्स या आर्क्स यही है, और है कैसे. अब उसको आप किस तरह से अक्यूमुलेट कर रहे हो कोई एक चीज बनाने में, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. जैसे आप सब्जी बनाते हो, है ना, अगर आलू की सब्जी बनानी है, सबसे सिंपल सब्जी की बात करूंगी मैं, क्या क्या डालते हो, टमाटर डालोगे, सॉरी तेल डालोगे, जीरा, हींग, नमक, हल्दी, मिर्च, टमाटर, आलू, यही डालते हैं बेसिकली. लेकिन कोई डालता है, किस तरह से डालता है, उसके हिसाब से उसका स्वाद बदल जाता है. और एक कर्सिव राइटिंग होती है, और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट हैंड राइटिंग होता है, ओपन ओपन राइटिंग. हाँ, तो उन दोनों में भी, उन दोनों में भी आप कुछ उसमें भी है फोकस. हाँ, ऑब्वियसली एक कनेक्शन है, एक डिस्कनेक्शन है. जैसे बच्चों को सिखाया भी जाता है स्कूल्स में कि कर्सिव का प्रैक्टिस करो, ये सब वो लेटर्स प्रैक्टिस करते हैं, राइट राइट. तो उन्हीं का, बच्चों का ऐसे ही हो जाता है, उसी में फिर ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा करके उनका आदत हो जाता है. वही तो प्रैक्टिस चाहिए ना, इसलिए तो मैंने कहा टीचर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. right. जब हम अपने बच्चों को राइटिंग करवाते हैं, हैंड राइटिंग क्लासेस में भेजते हैं हम बच्चों है ना, ठीक करवाने के लिए, वो क्या करते हैं, वो भी तो ग्राफोथेरेपी करते हैं आपके बच्चे के साथ. अभी बहुत सारे स्कूल्स में आ गए हैं, कभी कभी क्लासेस लेते हैं वो सब, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये. जब लोगों को इसका समझ आने लगा है, चीजों को समझने लगे हैं कि भाई ये इम्पोर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट आता है हमारी लाइफ, है ना, yes. तो फर्क पड़ता है, लोग करते हैं, है ना. तो चलिए अब आप लोगों को मैं फी स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ. इसका जो फी स्ट्रक्चर है, ये 2 महीने का कोर्स रहेगा आपका. इसमें जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं फैकल्टी के, सॉरी एकेडमी के, उनका जो फी स्ट्रक्चर है वो है 1579 पर मंथ, ओके. और 2 महीने का जो है वो आपको डिस्काउंट मिलता है 15% अगर आप एक साथ 2 महीने का आप लेते हो. और वही जो नॉन एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, जो आज पहली बार हमारे यहाँ पर आए हैं, उनके लिए फी स्ट्रक्चर अलग है. दैट इज 2100 प्लस सम, जस्ट गिव यू द डिटेल्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट गिव यू द डिटेल्स. और के अलावा जो है कुछ नंबर्स हैं, आई फ्लैश इट, आप लोग इसका वो ले सकते हैं. ये नंबर्स हैं यहाँ पर फ्लैश हुए हुए हैं, आप इनको जब तक नोट कर लीजिए. 7982552309 बेसिकली ये जो नंबर है 9999019519 यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू गो join the course. हाँ जी, आई होप सो आपने नंबर्स नोट कर लिए होंगे. दीज नंबर्स एंड यू कैन जॉइन द और जो जूम के वो हैं आप, आपको फीस स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया है. हाँ जी सर, सर हाँ जी, सेशन हो गया है जी. तो आप एक बार जरा फ्लैश कर देंगे सब चीजें तो अच्छा रहेगा. कोर्स कंटेंट हो गया है, यू कैन जस्ट फ्लैश द अमाउंट एज वेल एज द, इट इज 2 months और 3 months. 2 months, ऑलराइट, सो आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन द स्क्रीन.
Yeah, please. I'm just stopping my share. हाँ जी राजीव जी, पता चल सकता है इससे भी कि अगर बच्चा स्मोक कर रहा है, मैंने कहा ना इसमें एडिक्शंस पता चल जाते हैं। I think our participants is aware of it and not getting the details. Yes. 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 It's 2 months. So if it is two months, right? So this is the detail for 2 months. Can you go ahead with this? Just details. Okay, sir. Thanks. हाँ जी, जैसे कि आपको बताया है कि 1 month का जो है वो 1579 है, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं हमारे, तो 2 महीने का आपको आता है 3158, और अगर आप दोनों महीनों का एक साथ पे करते हैं तो आपको 15% उस पर डिस्काउंट होता है, तो इंस्टेड ऑफ 3158 यू जस्ट हैव टू पे 2685। और जो ड्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आज पहली बार हमारी अकेडमी को ज्वाइन किया है, उनके लिए है फर्स्ट टाइम एनरोलमेंट फीस, आप इसको समझ सकते हैं 2107, और 2 महीने का अगर होता है तो इट कम्स टू 4214। आपको इस पे हम 25% डिस्काउंट देते हैं अगर आप दोनों महीने का एक साथ पे करते हैं, सो इट कम्स टू 3158। राइट, सो दिस इज, एंड दीज आर द डिटेल्स, द क्लासेस विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट वीक एंड द शेड्यूल ऑफ द क्लासेस विल बी शेयर्ड टू यू ऑन टू योर ग्रुप्स। पूरा क्लास शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, 2 महीने का क्लास शेड्यूल रहेगा ये, पर वीक 2 क्लासेस होंगी एंड अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स पर डे, right, per class, and this schedule will be shared to you on to your groups, and anything else you would like to know, please raise your hand or you can ask any question. Sorry, Praveen ji bole, haan ji haan ji, kis din rahega sir ye course? Ye Praveen ji aapko main share kar dunga detail, aapke paas group pe aa jayegi share details ye. Ji ji, मैम सर क्लास का टाइम भी शेयर करेगा? जी तुली का जी, बिल्कुल क्लास का टाइम और डेज एंड डेट्स आपको मिल जाएगा इसके ग्रुप पे। श्योर, डन। सो आई थिंक इफ एवरीथिंग इज कवर्ड, हां जी सर, लेट्स क्लोज द क्लास एंड राइट। सो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका सबका। थैंक यू सर, थैंक यू मैम आपका समय देने के लिए। सो सबको नमस्कार, थैंक्स, थैंक यू मैम, thank you everyone for attending, thank you, thanks a lot.